राधा भाभी। अरे दीदी, अरे खुश रहो खुश रहो खुश रहो। नमस्ते मिट्ठू बेटा। अरे सुशीला दीदी, हाय, आ जाओ आ जाओ। हाय भाभी। अरे अरे बुआ तो चाची के कमरे में चली गई, पहले तो मेरे कमरे में आती थी। कोई बात नहीं मिट्ठू, अभी बुआ आ जाएंगी, उसमें क्या हो गया, चली गई तो कुछ बोली भी नहीं। अरे आ जाओ दीदी, आ जाओ यहाँ पे बैठो आके। ये ले, तुम्हारे लिए काजू कतली का डिब्बा लेके आई हूँ, बड़ी भाभी के लिए तो घेवर लेके आई हूँ। आपको कैसे पता दीदी कि हमें काजू कतली पसंद है? अरे नरेंद्र भैया ने बताया था कि प्रिया भाभी को काजू कतली पसंद है। अच्छा, आपके भैया ने बताया है, वही मैं सोचूं कि दीदी को कैसे पता कि हमें काजू कतली पसंद है। रूम तो बढ़िया सजा रखा है भाभी। हाँ दीदी, अच्छा लग रहा है ना? हाँ मैंने बहुत अच्छा सजाया है, मैं एक एक चीज छांट के लाई हूँ चंडीगढ़ की मार्केट से। मैंने सोचा कि दीदी देखेंगी तो कहेंगी कितना अच्छा से सजाया है। भाभी ये घेवर दिया हूँ उनके पास, नहीं तो यही कहेंगी ये आते ही छोटी भाभी के कमरे में घुस गई, ताना मारेंगी। तो ये दिया हूँ, फिर इसके बाद हम लोग आपस में बातें करेंगे। हाँ ठीक है दीदी, एक बार उधर भी हो आओ, नहीं कहेंगे कि वही छोटी वाली के पास ही बैठी है। ठीक है, क्या हुआ, तू क्यों मुंह फुला के बैठा है, क्यों दुखी है तू मिट्ठू? बुआ आई नहीं इधर। अरे बुआ घर में ही तो है, कौन सा बाहर गई है, चाची से मिल के अभी आ जाएगी। एक ही तो बुआ है, कौन तो दो चार बुआ है, उतनी देर से वहीं घुसी बैठी है मम्मी। ये ले आ गई बुआ, कब से मुंह फुला के बैठा है दीदी कि बुआ नहीं आ रही, बुआ नहीं आ रही। अरे ये लो राधा भाभी घेवर। हाँ लाओ दीदी, अरे वाह, घेवर लाई है बुआ। आपके लिए कॉफी बना लाओ दीदी। ठीक है बना दो भाभी, तो पी लेते हैं। चलो घेवर भी उठा के रख देती हूँ। सुशीला दीदी आना एक बार। हाँ प्रिया भाभी अभी आती हूँ। हाँ बुआ फिर चली गई चाची के कमरे में। ये लो दीदी को। दीदी कहाँ गई? प्यारी भाभी के पास। ये ले तू उसी रूम में दे दे जाके बेटा मिट्ठू। रहा मम्मी। अरे तू ही दे आ, मैं जाऊंगी तो तेरी चाची मुंह बनाएगी। हाँ प्रिया भाभी क्या कह रही थी बताओ। हाँ आओ दीदी, आपके लिए एक सरप्राइज है, आपके भैया ने बनवाई थी आपके लिए रक्षाबंधन में देने के लिए सोने की चैन। बहुत अच्छी है ये तो, ये तो भाभी 2 तोले की लग रही है। हाँ अच्छी है ना, आपके भैया ने पहले ही बोला था कि देखना सुशीला दीदी देखते ही पसंद कर लेंगी। नरेंद्र भैया तो हमारा ख्याल रखते हैं, और ये गोपाल भैया 500 रुपट्टी दे देते हैं हर बार, बस यही भैया तो हमारा ख्याल रखते हैं भाभी अच्छे से। अरे खूब पैसा है दीदी, आपको क्या पता, खसम और लुगाई ने दोनों ने खूब जोड़ रखा है पैसा। अच्छा उल्लू बना रहे गोपाल भैया हमें, मैं सोच रही थी कि क्या पता पैसे नहीं होंगे, हमारे सामने गरीब बन रहे हैं, अब देखो मैं क्या करती हूँ भाभी। अरे आपको क्या पता दीदी, झूठ बोल देती हैं आपसे, 500 रुपट्टी पकड़ा देती हैं आपको। अरे मुझे भी नहीं पता था, मैं तो जब से यहाँ आई हूँ तब मुझे पता चला दीदी। अरे दीदी धन गड़ा पड़ा है खूब, पैसे की कमी नहीं है बिल्कुल भी, सब दिखाती है कि मेरे पास पैसे नहीं है, अब देखो मैं क्या करती हूँ। अब पूरी जमीन नरेंद्र भैया के नाम करवाऊंगी, मैं एक भी नहीं करवाऊंगी गोपाल भैया के नाम, एक हाथ लो एक हाथ दो, यही तो मैं चाह रही हूँ। क्या कुछ कहा भाभी आपने? अरे मैं ये कह रही हूँ कि यही तो ये चाह रहे हैं कि सुशीला दीदी को पैसे भी ना देने पड़े और जमीन भी नाम हो जाए। कैसी मतलबी है ये दोनों। बुआ कॉफी लाए।
हूँ मैं। हाँ। अरे इसने सुन तो नहीं लिया कुछ भी। अरे नहीं सुनी होगी, ये बच्चा है, इसको क्या समझ में आया क्या बातें हो रही हैं। मैं आ ही रही थी वैसे उधर अभी। कोई नहीं बुआ, आप यही पी लो। ये देखो प्रिया भाभी, मैं नरेंद्र भैया के लिए राखी लाई हूँ चांदी की। भारी लग रही है दीदी ये तो। गोपाल भैया के लिए तो यहीं से दुकान से मंगा लूंगी 10 रुपए वाली। ये लो भाभी, गोलू के लिए रिमोट वाली कार लेके आई हूँ, गोलू खेल लेगा इससे। मिट्टू बेटा, तुम गिटार ही बजाते रहोगे क्या सारा दिन? अरे कुछ काम कर लो। खाने में क्या बनाया है राधा भाभी? अरे दीदी, मैंने आपकी पसंद की आलू की कचौड़ी बनाई है। आलू की कचौड़ी तो सुशीला तुझे बहुत पसंद है, क्या करूं, खा ही लूं क्या दो? राधा भाभी, ले आना फिर 2 कचौड़ी, खा ही लेते हैं। हाँ दीदी, अभी लेके आती हूँ। मिट्टू सुनो बेटा, कहाँ रखे थे, इसी में तो रखे थे 10 रुपए। ये लो बेटा, 10 रुपए की राखी ले आओ जाके। अरे लेकर तो आई थी बुआ। वो मैं एक ही लेके आई थी, तेरे पापा के भी तो बांधनी है ना, शाम को आ जाएंगे, तो तेरे पापा के लिए नहीं लाई, तो एक राखी जा जल्दी भाग के ले आ जाके। अच्छा, मेरे पापा के लिए लेके आनी है। हमारे पापा के लिए 10 रुपए की राखी और चाचा के लिए चांदी की राखी। पर है तो दोनों भाई है ना, कितना भेदभाव करती है बुआ। तो दीदी बताओ कैसी लगी आपको कचौड़ी मेरी? राधा भाभी, बहुत टेस्टी बनी थी कचौड़ी। सुशीला दीदी। हाँ प्रिया भाभी, चलो बाजार से कुछ लेके आते हैं। हाँ चल रही हूँ, दे दो दीदी। राधा भाभी तुम भी चलो ना बाजार, इनको भी लेके जाएंगी। अरे दीदी आप ही चली जाओ, अभी शाम को खाना भी बनाना है, तो आप जब वापस आओगे आपको खाना बना बनाया मिलेगा, और वैसे भी इनका बिजनेस बहुत लॉस में चल रहा है, हम क्या लेंगे जाके। चलो ठीक है, फिर मैं ही जाती हूँ, अगर कुछ मंगाना हो तो फोन कर देना फिर। ठीक है? ठीक। हाँ दीदी, जरूरत होगी तो फोन कर दूंगी। आ जाओ दीदी। मम्मी, बुआ कहाँ है? जब अरे बुआ तो बाजार गई है मिट्टू। बुआ को ये बाजार जाना था तो हमसे क्यों बोला था राखी लाने के लिए? अरे तो तू घिस गया क्या, तेरे पैर टूट गए क्या, अगर राखी ले आया तो क्या हो गया? अरे वो बात नहीं है मम्मी, आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि बुआ एक ही घर में अलग-अलग सब व्यवहार कर रही है? ए, आ गई दीदी, घुस गए रूम में फिर तो इनके। देखा मम्मी, फिर चाची के रूम में चली गई। सही कह रहा मिट्टू, अब तो कुछ ज्यादा ही हो रहा है। हाँ मैं वही तो कह रहा हूँ मम्मी, कि अब सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, अब घी सीधी उंगली से नहीं निकलेगा तो टेढ़ी उंगली करनी पड़ेगी। हाँ मम्मी, बुआ ऐसे नहीं मानेगी, अब जो जैसा है उसको उसी भाषा में सबक सिखाना पड़ेगा। मेरे दिमाग में एक आइडिया आ रहा है मम्मी, कि हम लोग झूठ बोलते हैं कि पापा की लॉटरी लग गई 10 लाख की और हंसते हैं, फिर देखना मजे क्या होता है। ठीक है? ये हाँ दीदी सच में। प्रिया भाभी, वो मैंने काजू कतली का डिब्बा दिया था ना तुम्हें, वो ला के दे दे, सब मुंह मीठा कर लेंगे थोड़ा थोड़ा। पर दीदी क्या लेके आना, खड़ी क्यों है? प्रिया भाभी, वो जो डिब्बा दिया था ना एक रखने के लिए, वो भी ले आना। मिट्टू तेरे लिए गाड़ी लेके आई हूँ रिमोट वाली, रिमोट वाली गाड़ी? वो तो गोलू के लिए लाई थी आप। अरे गोलू अभी छोटा है, मिट्टू खेलेगा, वो तोड़ देगा गोलू अभी। हाय राम, केजरीवाल से भी ज्यादा पलटू है मेरी बुआ, कितनी जल्दी पलट गई है। तो प्रिया भाभी, मैं देखो गोपाल भैया के लिए चांदी की राखी लेके आई हूँ। राखी तो बड़ी भारी लाई हो दीदी, और नहीं तो क्या, और मैं क्या कह रही थी।
दानवीर कर्ण, मैंने झूठ बोला था, मेरे पापा की कोई लॉटरी नहीं लगी है, बल्कि मेरे पापा का तो बिजनेस और लॉस में चल रहा है। प्रिया भाभी ये ले लो, सारा सामान इकट्ठा कर लो, ले ले जाओ। ये तो भाग गई। हाँ सब दे दो छुटकी को, जो भी लाई हो, हमें कुछ नहीं चाहिए। हाँ सब दे दो, और बुआ हमें तो आपकी जमीन भी नहीं चाहिए, सब दे दो वहीं पे, हमें तो बुआ चाहिए अच्छी वाली अपनी। प्रिया भाभी तुम कहाँ जा रही हो? घर जा रही हो अपने मायके? हमें नहीं चाहिए तुम्हारा कुछ। राधा भाभी क्या तुम भी मायके जा रही हो अपने? अरे नहीं दीदी, मैं क्यों जाऊंगी मायके? आप आई हो तो क्या मैं मायके चली जाऊंगी? फिर आपके लिए कौन बनाएगा खिलाएगा? अभी 4 बजेंगे तो आपके लिए कॉफी फिर से बनाऊंगी। बुआ पैसा जरूरी नहीं होता है रिश्ते में, रिश्ता जरूरी होता है। आजकल तो लोग पैसे के पीछे भाग रहे हैं, वो इंसान चाहे सही हो चाहे गलत हो, बस पैसा ही दिख रहा है। सही कह रहा मिट्टू तू। वही तो बुआ, रिश्ते खत्म होते जा रहे हैं अब तो। अरे एक भाई पैसे वाला है, एक भाई गरीब है, तो उसमें क्या फर्क पड़ता है? पैसे की अहमियत नहीं होनी चाहिए बुआ, प्यार होना चाहिए आपस में, भाई बहन में। वही तो बेटा, सबकी हैसियत अलग अलग है। ये त्योहार कोई पैसे का त्योहार थोड़ी ना होता है, ये तो भाई बहन के प्यार का त्योहार होता है। हाँ बुआ, अरे कोई भाई तो अपनी बहन को सोने की चैन दे रहा है, कोई भाई बेचारा साड़ी भी नहीं दे पा रहा है, तो ये तो अपना अपना है ना बुआ, इससे क्या हम लोग रिश्ता तोड़ लेंगे क्या? सही कह रहा है मिट्ठू तू, क्या फर्क पड़ता है? एक भैया गरीब है, एक भैया पैसा वाला है, तो क्या हुआ? कोई ये लेन देन का त्योहार थोड़ी ना होता है, ये तो भाई बहन के प्यार का त्योहार होता है। सही कह रहा मिट्ठू तू, मेरी तो मत मारी गई थी, पैसा पैसा। ऐसा कर बेटा, ले 10 रुपए की राखी और ले आ तू दुकान से। अब हम चांदी की राखी किसी भी को नहीं बांधेंगे, और दोनों भैया के अब हम राखी यही वाली बांधेंगे, चांदी की नहीं बांधेंगे। दोनों भैया मेरे लिए बराबर हैं। ये बुआ ये चांदी वाली राखी क्या करोगी? इसकी मैं ये सोच रही हूँ कि सुनार को दोबारा दे दूंगी, पैसे दे देगा मुझे वो वापस। ये मुझे दे दो ना बुआ, मैं पहन लूंगा। अरे बुआ मुझे दे दो, मैं पहन सकता हूँ, मैं तो फंस जाता हूँ माया मोह में कभी कभी, मेरे लिए सब चलता है बुआ। ये जितना भी ज्ञान दिया था मैंने, ये बड़े बड़े लोगों को दिया था, बच्चों के लिए नहीं, हमारे लिए सब चलता है। नमस्कार दोस्तों, कैसी लगी मेरी वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करके जरूर जाना, और अगर हमारी वीडियो फेसबुक में देख रहे हो तो फॉलो करके जाना, अगर हमारी वीडियो यूट्यूब में देख रहे हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।